हेलो एवरीवन, सो आई वेलकम यू ऑल बैक इन दिस न्यू वीडियो, जहां पर आज हम शुरू करने वाले फिर से हमारा लेसन नंबर 8, कॉन्क्योरिंग डिस्टेंसेस। ओके, एयरवेज, रेलवेज एंड वाटरवेज। सो बेसिकली हम पढ़ रहे थे कि राइट ब्रदर्स जो थे, ओके, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लेन को इन्वेंट किया, जो हमारे यहाँ पर नाम दिया जॉर्ज स्टेफेंसन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फर्स्ट लोकोमोटिव इंजन बनाया, और जो यहाँ पर नाम दिया गया जेम्स वॉट, उन्होंने फर्स्ट ये बनाया इंजन बनाया, ठीक है, वो कौन सा, स्टीम इंजन बनाया। एंड व्हील तो इन्वेंट कर चुका था प्रिमिटिव मैन। देन आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल निभाता है डेवलपमेंट किसी भी कंट्री के लिए। मतलब जो कंट्री है, मान लो कि इंडिया है, इंडिया में जो पंजाब है, पंजाब में गेहूँ होता है, गेहूँ यानी कि वीट, जिसका हम रोटी खाते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको मालूम हो तो जो वीट ग्रो होता है वो पंजाब में अगर होता है, और जो रोटी है वो पूरे देश यानी कि इंडिया के हर एक कोने में लोग रोटी खाते हैं, ठीक है। साउथ में राइस होता है, नॉर्थ में होता है हमारा वीट, ओके। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा कि मान लो ट्रांसपोर्ट करने में क्या होगी, तकलीफ होगी। क्यों? अगर ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि अगर हमारा जो रेलवे है या फिर जो रोडवेज है या फिर एयरवेज है, वो अगर नहीं होगा तो यहाँ से यानी साउथ से नॉर्थ और नॉर्थ से साउथ जाने में कई कई महीने लग जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, जो आपका कार्गो है यानी कि जो आपका फूड है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हर जगह पर अलग अलग वेदर कंडीशंस हैं, ठीक है। तो इसको दूर करता है ये ट्रांसपोर्टेशन। और साथ में मान लो कि जैसे गुजरात है, यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे आप मान लो कि टेक्सटाइल बनता है, कपड़ा बनने के बाद उसे पूरी दुनिया में भेजना है, ठीक है। अब मान लो कि यार सूरत में अगर एक पोर्ट नहीं है, एक रेलवे लाइन नहीं है, एक रास्ता ठीक से नहीं है, तो ट्रांसपोर्टेशन ही अगर नहीं होगा तो जो कपड़ा बन रहा है वो जब पूरी दुनिया पहुँचेगा ही नहीं, तो उसको काम करने का मतलब ही नहीं होगा। समझ रहे हो, डेवलपमेंट कब होता है, जब आप ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देते हैं स्टूडेंट्स, ओके, जब आपका काम इजी होता है, ठीक है। अभी मान लो कि अगर अमेरिका में कोई, अगर मान लो कोई ऐसा एक स्पेसिफिक कपड़े को हमें पहुंचाना है, वहाँ पे उसकी ज़रूरत है, तो विद इन 24 आवर्स प्लेन में आपने कार्गो को लोड किया, एंड विद इन 24 आवर्स आपका प्लेन वहाँ लैंड करता है, और आपका टेक्सटाइल का जो प्रोडक्ट्स है वो वहाँ पर लोगों को मिल जाता है। तो ये सुविधा जो है, ये जो ईज़ ऑफ लाइफ है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, यही डेवलपमेंट हमारे कंट्री को डेवलप करता है, ठीक है। उसके बाद कंट्रीज़ को अगर रॉ मटेरियल चाहिए तो वो भी उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आता है स्टूडेंट्स। उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज से कनेक्ट करने के लिए एक ही टाइम पर ये ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है। उसके बाद दस गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एट वन प्लेस आर यूज्ड बाय पीपल हु आर लिव इन डिस्टेंस प्लेस विद इन द होम कंट्री और अब्रॉड। ओके, द सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है इसको मेनली 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, वो है एयर, लैंड एंड वाटर। ओके, तीन में इसको डिवाइड किया गया है। जो वेरियस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं पूरी दुनिया में, उनको रॉ मटेरियल चाहिए जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं फैक्ट्री तक इसकी मदद से। देन सिमिलरली जो फिनिश प्रोडक्ट है वो वापस से फैक्ट्री से इन्हीं चीज़ों की मदद से वापस से लोगों तक पहुंचता है। आते हैं रोडवेज पे। तो जो रोडवेज है ये बहुत ही कॉमनली यूज ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। हम भी डेली जो ट्रैवल करते हैं स्टूडेंट, जैसे कि मान लो अभी आपका स्कूल बंद है, लेकिन जब आप स्कूल में वापस आना शुरू करोगे, जब गवर्नमेंट आपको परमिशन देगी हमें भी और आपको भी मिलने के लिए, तो क्या करेंगे हम लोग सुबह उठेंगे। सुबह उठ करके आप सीधा मतलब जो आपका घर है वहाँ से आपको कोई विंग्स तो मिले नहीं है बच्चों, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप ज़मीन पर उतरोगे, फिर आप रेडी होकर के फिर आप रोडवेज के थ्रू, ठीक है, रोडवेज यानी कि रोड से होकर के स्कूल तक आपके पेरेंट्स या फिर आप अगर किसी ट्रांसपोर्ट में आते हो तो आपके जो अंकल, वैन वाले अंकल, बस वाले अंकल हैं वो आपको लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आप डेली लाइफ में भी यूज़ करते हो आप, अगर जैसे कि स्टूडेंट्स मान लो कि अगर रोडवेज अगर ठीक ना हो तो क्या होगा, आपको बहुत तकलीफ होगी स्कूल तक आने में। मान लो कि अगर रोड होगा ही नहीं, अगर आप किसी बहुत ही दूर इलाके में रहते हो जहाँ पे रोड है ही नहीं, तो क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी स्कूल आने में, आपको स्कूल से वापस जाने में। तो क्या करोगे आप, वो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रोडवेज़ का यहाँ पे मालूम पड़ा स्टूडेंट्स हमें कि रोडवेज़ क्या है, बहुत ही कॉमनली यूज्ड एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। द इन्वेंशन ऑफ द ऑटोमोबाइल इन द 19th सेंचुरी लेड टू अ ग्रेट इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ रोड्स। तो 19th सेंचुरी में क्या किया गया, एक बहुत ही ग्रेट इंप्रूवमेंट किया गया, जो रोड का जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया गया। स्टूडेंट्स, रोड में बहुत से अलग अलग टाइप के रोड्स बनते हैं, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जो हाईवे होता है, हाईवे पे जो रोड होती है, अगर आपने कभी बस से अपने सूरत से कभी गांव गए होंगे हम लोग, ठीक है, जैसे अपने जो वतन जाते हैं हम लोग, तो क्या होता है कि वहाँ पर आप जो देखते हो हाईवे कैसा होता है, एकदम स्ट्रेट होता है और एकदम मीन्स बहुत ही अच्छा रोड होता है, मतलब उसकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी होती है। वही कंपेयर करें, अगर हम अगर हमारे जो शहर से कंपेयर करें सिटी के अंदर की रोड,
तो वो उसके कंपेरेटिवली थोड़ी सी रफ होती है, उतना अच्छा नहीं होता जितना हाईवे पे होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। टुडे मेटल रोड आर रोड्स मेड ऑफ एस्पेल्ट एंड कॉन्क्रीट और आर कॉमन एंड कनेक्ट मोर एंड मोर प्लेसेस। नाउ द मड रोड्स इन द विलेज आर ऑल्सो बींग रैपिडली रिप्लेस बाई द मेटल रोड्स। तो गाँव में स्टूडेंट्स धूल वाले धूल और मिट्टी से भरी हुई जो आपकी रोड होती है उसको भी अभी रिप्लेस करके जो शहरों में जिस टाइप का रोड होता है वैसा वहाँ पर भी डेवलप किया जा रहा है। और स्टूडेंट्स हमारा जो ट्रैफिक है आजकल शहरों में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो उसके लिए क्या किया गया है कि बहुत से फ्लाईओवर्स यानी कि जो रोड है रोड के ऊपर बहुत से बड़े बड़े ब्रिज बना देते हैं और उस ब्रिज से होकर के ट्रैफिक स्मूथली आगे चल पाती है। जैसे कि ट्रैफिक होता नहीं है और ट्रैफिक होना होने की वजह से क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज़्यादा ईजी और अच्छा हो जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स हम इस वीडियो में यहीं पर रुकते हैं इसी पॉइंट पर और शुरू करते हैं अगला वीडियो इसी टॉपिक से फिर से। ओके, तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।